अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजी शेड्यूल, हाउ टू कवर फार्माकोलॉजी इन 20 डेज। ये 20 डेज का शेड्यूल है फार्माकोलॉजी के लिए। ये आप अपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप अपने सप्ली के एग्ज़ाम के लिए भी की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 20 डेज का शेड्यूल आपको दिया है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छी तरह आते हैं उनको थोड़ा सा कम टाइम दे दें। तो मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हर टॉपिक को उसके हिसाब से टाइम दिया है कि जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको इतना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम जनरल फार्माकोलॉजी पर। जनरल फार्माकोलॉजी के 18 मार्क्स हैं आपके पास। ये 18 मार्क्स इसलिए आपने इसको अच्छी तरह करना है, और इसी की बेस के ऊपर आपकी सारी आगे वाली फार्माकोलॉजी बेस करती है, जनरल और एएनएस के ऊपर। इसके जनरल और एएनएस के जितने अच्छे कंसेप्ट होंगे उतनी अच्छी आपकी अगली फार्माकोलॉजी सारी चलेगी। इसलिए इसको अच्छी तरह करें। जनरल फार्माकोलॉजी 18 मार्क्स हैं, 2 SCQs आते हैं और 8 MCQs हैं इसमें से। तो इसके लिए आप 2 दिन ले लें, 2 दिन के अंदर आप जनरल फार्माकोलॉजी अच्छी तरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आए थे एएनएस। एएनएस में आप देख लें, एएनएस के भी 18 मार्क्स हैं और ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, पर एएनएस को आपने जो करना है वो भी आपने 2 दिन के अंदर 2 दिन 3 दिन के अंदर आसानी से कर लेना है। और ये करना कैसे है, कहाँ से करना है, ये सारा मैंने अपनी फार्माकोलॉजी गाइडलाइंस वाली वीडियो में बताया हुआ है। जनरल फार्माकोलॉजी के लिए आपके प्लान और मिनी केटजंग इस्तेमाल कर सकते हैं। एएनएस के लिए मिनी केटजंग इनफ है। तो इसके बाद आ जाए एएनएस अपने 18 मार्क्स का जो है ये आपने 3 डेज के अंदर कवर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है सीबीएस। CVS 20 मार्क्स का है। CVS एंड हीमाटोलॉजी ब्लड भी इसके अंदर ही आता है, इसलिए मैंने इसको 3 डेज दिए हैं। 3 डेज इसलिए कि अगर आपके ANS के कंसेप्ट अच्छे हैं, वही कंसेप्ट काफ़ी सारे CVS के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आपने 8 दिन के अंदर 3 बड़े बड़े टॉपिक्स कवर कर लिए। इस तरह 6, 7, 8 डे है, इसके अंदर आपने CVS पूरा कवर कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं रीमाटोलॉजी एंड गाउट। ये पहला जो सिलेबस था उसके हिसाब से तो इसके 14-15 मार्क्स बनते थे, लेकिन अब के हिसाब से न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसके अंदर से 9 मार्क्स हैं, जिसमें से 1 SCQ है और 4 MCQs हैं। तो इसको आप ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आप 2 दिन के अंदर आसानी से अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। और जो जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ आपने पास पेपर्स भी इन्हीं दिनों के अंदर ही करने हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी तैयारी और ज़्यादा शॉर्ट टाइम में अच्छी हो जाएगी। 10 दिनों में आप यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद आ जाएं 11th डे पे रेस्पिरेशन एंड GIT। 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसको आप 1 दिन के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं। इसमें से आपका 10 मार्क्स का पेपर आना है। और उसके बाद आ जाएं कीमो पर। कीमो का जो है प्रीवियस जो हमारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन था उसके अंदर तो कीमो के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन अब थोड़े कम हो गए हैं, इसलिए हमने इसको दिन भी कम दिए हैं। तो ये आपका कीमो का 12, 13, 14 और 15th डे, 4 दिनों के अंदर आपकी कीमो अच्छी तरह कवर हो सकती है। कवर कैसे करनी है उसके लिए आप डिटेल गाइडलाइंस वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाए एंडो। एंडो भी आपकी 10 मार्क्स की है, और इसको आप 2 से 3 दिन के अंदर आसानी से अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। 16th, 17th और 18th डे के अंदर आपने एंडो अपनी कवर कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए CNS। CNS 20 मार्क्स का है, तो इसके लिए भी 3 दिन दिए हैं, क्योंकि आसानी से कवर हो जाता है। छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक इस सेंस में है कि आपने ये कैप्लान से करना होता है, और अगर आप मिनी कैटजंग से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा ये होता है कि कैप्लान से इसको लेक्चर्स देखें,
क्या प्लान से इसको कवर करें, उसके बाद जो है साथ साथ मिनी कैटजंग के एंड वाले हर चैप्टर के एंड वाली समरीज करते जाएं। हर किसी के अपने ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन ये है, पहले इसमें सीएनएस में से कम मार्क्स आते थे लेकिन अब जो है इसके मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं, 2 SCQs हो गए हैं, 10 MCQs हैं, तो इसको आपने छोड़ना नहीं है। अक्सर लोग इसको सीएनएस को छोड़ देते होते थे, तो पहले छोड़ देते थे कम मार्क्स से, लेकिन अब आप इसको नहीं छोड़ सकते। इसकी बजाय अगर कोई और टॉपिक छोड़ना है तो वो छोड़ सकते हैं। तो उसकी जगह आप जो है एंडो, अगर अगर आपको टाइम शॉर्ट हो रहा है तो एंडो अगर छोड़नी पड़ रही है तो एंडो छोड़ें, सीएनएस को ना छोड़ें, क्योंकि ये आपका वाईवा में भी सुनते हैं, खैर एंडो भी सुनते हैं, लेकिन इन शॉर्ट के आपने सीएनएस को ज़रूर टाइम देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए आपका मिसलिनियस टॉपिक्स। मिसलिनियस टॉपिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे एंड में लिखा है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ छोड़ना चाह भी रहा है तो मिसलिनियस टॉपिक्स को छोड़ने का सोच सकता है। तो ये आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये आपका जनरल फार्मा में से आपके 2 SCQs हैं और एक फार्मा को काइनेटिक्स में से, एक फार्मा को डायनामिक्स में से, और MCQs 8 MCQs हैं। इसी तरह ANS में से 2 SCQs हैं और इस तरह इसमें से 8 MCQs हैं। CVS में से भी ऐसे ही है कि 2 SCQs हैं 5-5 नंबर के, और यहाँ पे आपको 10 MCQs मिल रहे हैं, टोटल 20 मार्क्स। न्यूरो साइकेट्री एनेस्थेसियोलॉजी, ये मतलब CNS जो मैंने आपको बताया, उसमें से भी आपके पास 10 MCQs हैं और 2 SCQs हैं। नेक्स्ट पल्मो और GIT, जिसमें रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन और GIT, इसमें से भी आपके पास 1 SCQ है और 4 MCQs हैं, 5 MCQs हैं, 10 मार्क्स हैं। कीमो के अंदर आपके 20 मार्क्स हैं, 10 MCQs हैं, 2 SCQs हैं। और रीमेटोलॉजी एंड गाउट, इस चैप्टर में से 4 MCQs हैं और 1 SCQ। एंडो में आ जाएं, एंडो में आपके पास 1 SCQ और 5 MCQ। इस मिसलिनियस में जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था वो ये है, मिसलिनियस को देख लें कि ये डर्मा है, इसमें पीडियाट्रिक सर्जरी, विटामिंस, जीरियाट्रिक्स, स्पोर्ट मेडिसिन, हैवी मेटल्स, एंटीबॉडीज, ड्रग इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन ये आपका जनरल फार्मा में कवर हो जाता है, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से करने हैं, इसके लिए पास्ट पेपर्स आपने लाजमी करने हैं। तो जो जितने जितने दिन मैंने आपको बताए हैं इसके साथ साथ आपने ये टॉपिक्स भी करने हैं, हर टॉपिक को उसके स्पेसिफाइड डेज के अंदर कवर करना है, उसके साथ आपने उसके पास्ट क्वेश्चंस भी करने हैं और MCQs भी साथ साथ करने हैं। ये हो गया आपका 20 डेज का शेड्यूल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।